अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे खजूर, जिसे मीठे लॉस भी कहते हैं। खाने में तो बहुत टेस्टी लगते हैं और बनाने में उतने ही आसान। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खजूर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ लूँगी मैदा। यहाँ पर मैदा मैंने 1 कप के करीब ली थी। आप कोई सा भी अपने घर में मेजरिंग कप के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सो 1 कप मैदा, और उसमें हम डालेंगे 1/4 कप फाइन रवा या सूजी। तो देखिए कितनी कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर रवा ली। रवे की क्वांटिटी हमें कम ही लेना है। उसके बाद में अब मैं डालूँगी पिसी हुई चीनी। यहाँ पर चीनी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1 कप से थोड़ा कम क्वांटिटी में ली थी। सो अब हम डालेंगे इसमें देसी घी। ये 4 से 5 चम्मच देसी घी था, जिसे मैंने कुछ देर हीट पर मेल्ट कर ली थी। तो इससे हमें मिक्सिंग करने में आसानी होगी, और गर्मा गर्म जब हम घी डालेंगे तो हमारे जो ये खजूर होंगे वो बहुत खस्ता बनकर रेडी होंगे। सो आप भी ऐसे ही उसे थोड़ी देर मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद में हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए घी की कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट हुई है हमारे बैटर में। अब इसके बाद में मैं नॉर्मल वाटर लूँगी और इसे अच्छी तरीके से गूंद लूँगी। तो हमें इसे ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना है और ना ज़्यादा हार्ड। और डो रेडी करने के बाद में 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पर रखेंगे, ताकि हमारी जो सूजी है रवा वो अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए, तो अब मैं एक छोटे से साइज़ लूँगी। आप चाहे तो पूरा भी लेकर एक साथ बेल सकते हैं, मगर इससे हमें थोड़ा सा हार्ड होता है। सो आई फील कि थोड़ी सी साइज़ लेकर हम सूखे आटे की मदद से इसे बेल लेंगे। तो देखिए हमें इसे ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं करना है और ना ज़्यादा मोटा, क्योंकि मोटा जब हम इसे बेल लेंगे ना, तो जब हम ऑयल में इसे फ्राई करेंगे उस वक्त भी ये काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है, और पतला बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये एकदम मतलब पापड़ी टाइप हो जाएगा। सो इसलिए हम मीडियम कंसिस्टेंसी में इसे बेल लेंगे। और उसके बाद में अब हम एक नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ की मदद से इसे कट कर लेंगे। तो आप जिस शेप में और जिस साइज़ में चाहे उस साइज़ में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले थोड़ा बड़ा कर साइज़ में कट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं डायमंड शेप में कट करूँगी। आप स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। तो 1 by 1 हमें ऐसे ही इसे कट कर लेना है। कटिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाए, हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। तो हमें डीप फ्राई करना है यहाँ पर। तो हम ऐसे ही करके 1 by 1 सारे डाल देंगे और इन्हें अच्छे से दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। सो डार्क पिंक या फिर लाइट ब्राउन ऐसे कलर होने तक हमें इसे दोनों साइड फ्राई करना है। मगर ख्याल दें कि जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम पर रखिए, इसे हाई पर बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसे करके अब हम सारे पैचेस रेडी कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसे फ्राई करते जाएंगे, वैसे हमें इसे खुले और बड़ी थाली में रखना है, क्योंकि जब गर्म रहता ना तब ये सॉफ्ट रहता है, और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से खस्ता और कुरकुरे बनकर रेडी हो जाएंगे। सो हम जो पैच निकालेंगे उसे एक प्लेट के अंदर इस तरीके से फैला कर रख लीजिए। हमारे खजूर बनकर रेडी है और ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे और बहुत यम्मी बने हैं। तो आप भी ऐसे ही बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूले। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।